पैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में आपके लिए करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, आपके पार्टनर की क्या है, क्या चल रही है इस टाइम, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, साथ ही साथ आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी तरफ से आपकी तरफ कोई नेक्स्ट एक्शन की उम्मीद की जा सकती है, अगर हाँ तो क्या हो सकता है उनका अगला कदम आपके तरफ। ये सब एनर्जी हम डेली चेक करते हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जिसके सामने जब भी आएगी उसको उसकी करंट सिचुएशन से रेजोनेट करेगी और उन्हें हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। सो शुरू करते हैं। यहाँ पे दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर वन, अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में है तो आप चुनेंगे पाइल वन। अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर टू। सो पाइल वन से रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल टू का टाइम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्टली भी अपने टाइम पे जाके रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमेशा की तरह मेजर अरकाना से हम देखेंगे पाइल वन के लिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ए से एम क्या मेजर सोच रहे हैं, क्या कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं। बॉटम की एनर्जी है द चैरियट व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेफिनेटली आना चाहते हैं आपकी तरफ, कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। द चैरियट का कार्ड है, डेफिनेटली एक्शन मोड में है इस टाइम। जस्टिस पहला कार्ड आया है, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। हो सकता है जस्टिस आपको लीगली देना चाहते हो, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ, या फिर ऑलरेडी किसी कोर्ट मैटर में इन्वॉल्व हैं इस टाइम। मजिशियन, ये भी मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। जजमेंट, जजमेंट का कार्ड आया है विद जस्टिस, ये भी हो सकता है कि किसी कार्मिक सिचुएशन में हों, आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी कार्मिक सिचुएशन को हैंडल कर रहे हों, कोई बड़ा डिसीजन ये लेने वाले हैं रीयूनियन से रिलेटेड। रीयूनियन का कार्ड दो दिन से आ रहा है यहाँ पे, डेफिनेटली रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है। काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों को उनकी तरफ से मैसेज या कॉल रिसीव हो सकता है, किसी तरह का एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं, लेना चाहते हैं, करंट एनर्जी है। द चैरियट का कार्ड आया है बॉटम से, डेफिनेटली रीयूनियन से रिलेटेड ही डिसीजन है। आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा मे बी टेलीपैथी या मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, इनका असर इस पे हो रहा है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो इच्छा पूरी हो सकती है आपकी, बहुत जल्द आपको जस्टिस मिल सकता है। मेजर अरकाना यही बता रहा है, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। देखते हैं करंट एनर्जी में क्या आता है। उसके पहले गाइडेंस ले लें हमेशा की तरह। ए से एम, जिनके भी पार्टनर के नाम ए से एम के बीच में पड़ते हैं, क्या गाइडेंस है इनके लिए, प्लीज गाइड करें। करेज, हिम्मत बनाए रखें, काफ़ी हिम्मती हैं आप, स्ट्रेंथ में रहें। सेल्फ इस्टीम, अपनी सेल्फ इस्टीम बना के रखी है आपने, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। यहाँ पे ईगो बहुत ज़्यादा है आपके रिलेशनशिप में, आप में से काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ज़्यादातर ईगो की वजह से आ रही है।
ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है मुझे। पावर ऑफ लव से देखते हैं क्या गाइडेंस है पायल नंबर 1 के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पास्ट, दो कार्ड आ गए हमारे पास, पास्ट एंड ग्रैटिट्यूड। दो कार्ड और आ रहा है, रिलीज एंड कंपैशन। बॉटम से है टॉलरेंस। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यहाँ पे दो पास्ट के कार्ड हैं। आप में से काफ़ी लोग पास्ट में जा रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज, या तो आपने अपने पास्ट में कोई टावर मोमेंट देखा है, या तो आपके पार्टनर के साथ जो भी टावर मोमेंट हुआ है, या कोई बैड मेमोरीज हैं वो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं। आपको यहाँ पे गाइडेंस है, पहला गाइडेंस, रिलीज़ करिए उन चीज़ों को जो आपको हर्ट कर रही हैं, जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं, जो मेमोरीज़ आपको तकलीफ़ दे चुकी हैं ऑलरेडी, उन्हें वापस से अपने लाइफ में लाने की कोशिश मत करिए। जो आपको मेमोरीज़ तकलीफ़ दे मेमोरीज़ हैं, उन्हें अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करिए। उसे आप स्टोर करके मत रखिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में। सबसे पहला गाइडेंस, तीन तीन कार्ड यही बता रहे हैं। और गाइडेंस लेते हैं मोनोलॉजी से। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव हो रहे हैं आप लोग, आप में से काफ़ी। नेगेटिव ना होइए, पेशेंस बनाकर रखिए, अपनी मेहनत पर पानी मत फिरने दीजिए, बिल्कुल नहीं। ओके, तो पहला कार्ड है पाइल नंबर 1 के लिए करेज, इनर स्ट्रेंथ। इनर वॉइस को सुनिए, कॉन्फिडेंट रहिए, फियर को फेस करिए। अगर किसी तरह का डर है आपके मन में, उसे फेस करिए और रिलीज़ करिए, उसे बढ़ने मत दीजिए। किसी भी नेगेटिव चीज़ को अगर आप छोड़ देते हैं, उसे अटेन करते हैं, तो वो बढ़ने लगती है, बढ़ने मत दीजिए उसे। सेल्फ इस्टीम, आई पोजेस गिफ्ट ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। डेफिनेटली यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम बरकरार है आपकी, जो कि बहुत अच्छी बात है। सेल्फ लव आप कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं आप, अपने सोल के साथ साथ दूसरों को भी बेनिफिट पहुंचा रहे हैं अपने सोल मिशन पे। काफ़ी लोग यहाँ पे हैं, लगे हैं, किसी ना किसी तरीके से लोग हेल्प आउट कर रहे हैं। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट आज की गाइडेंस यही है कि आपको पास्ट को रिलीज़ करना है। यहाँ पे पास्ट की मेमोरीज़, नेगेटिव मेमोरीज़, अच्छी मेमोरीज़ को याद करिए, नेगेटिव मेमोरीज़ को भूलिए। यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं, ग्रैटिट्यूड एंड टॉलरेंस। ग्रैटिट्यूड शो करिए जो भी आपके पास है, कई लोगों के पास उतना भी नहीं होता। सो ऑलवेज़ शो ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स यूनिवर्स, टूवर्ड्स योर गॉड। साथ ही साथ कुछ चीज़ों में आपका टॉलरेंस लेवल बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आप काफ़ी हद तक पॉजिटिव हुए हैं। बीच बीच में समटाइम्स नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक आप पॉजिटिव रहते हैं। सो यहाँ पे आपको ये गाइडेंस है कि अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं तो करिए। कुछ चीज़ों को, कुछ नेगेटिव चीज़ों को निकालिए अपने दिमाग से। दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी आप समझ रहे हैं आजकल, काफ़ी हद तक आप अपने माइंड को काम एंड कंपोज रखने की कोशिश करिए। कंपैशन, शेयर करिए लव एक दूसरे के साथ, अपने हार्ट की जो भी दिक्कतें हैं, जो तकलीफ़ हैं, किसी से बोल दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए, दबा के अपने दिल में मत रखिए। बिल्कुल आपको रिलीज़ करना है, क्योंकि आपकी जो भी एनर्जीज़ हैं इस टाइम वो मोमेंटम गेन कर रही हैं। पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा रिज़ल्ट आपको चाहिए अपने लाइफ में, तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। आई नो समटाइम्स हार्ड हो जाता है कुछ अच्छा ना होते हुए भी पॉजिटिव सोचना, लेकिन आपको सोचना है। या तो कुछ मत सोचिए, या तो सोचिए तो पॉजिटिव सोचिए। देखते हैं करंट एनर्जी क्या बताती है।
पाइल वन, प्लीज गाइड कर एंजल्स, ए सेम करंट एनर्जी, द वर्ड सेवन ऑफ वैंड्स, द एम्परर, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। आप में से कुछ लोग यंगर हो सकते हैं, कुछ एल्डर हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है कुछ लोगों में, कुछ लोगों का न्यू लव है, कुछ लोगों का काफ़ी पुराना लव है। इमोशंस किसी तरह के आपके तरफ आ सकते हैं, मे बी आपकी तरफ कोई जेस्चर करना चाहते हैं आपके पार्टनर, हो सकता है किया भी हो रिसेंटली, हाय गुड मॉर्निंग या अनब्लॉक करके छोड़ दिया हो, मतलब किसी तरह का आपकी तरफ जेस्चर करना चाहते हैं, लेकिन ईगोइस्टिक बहुत हैं, अपनी ईगो के आगे किसी को नहीं समझते हैं। पावर में रहना इन्हें पसंद है, झुकना पसंद नहीं है, इवन आपके आगे भी झुकना नहीं चाहते। समटाइम्स मजबूरी में झुक सकते भी हैं अगर आपसे इतना लव करते हैं तो, लेकिन इनका ईगो इनके लिए सबसे ऊपर है। अथॉरिटी इनके हाथ में है किसी तरीके की। देखिए यहाँ पे अथॉरिटी का मतलब ये नहीं कि बहुत रिच हैं, रिच होंगे तो भी और रिच नहीं होंगे तो भी, इन्हें अपनी फ्रीडम, इन्हें अपना एटीट्यूड बहुत प्यारा है, इस तरह का इनका नेचर हो सकता है। साथ ही साथ कुछ लोगों के लाइफ में पेरेंट्स का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है मुझे। टू ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, इक्वल म्यूचुअल लव है यहाँ पे, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में। सोल कनेक्शन हो सकता है, आप में से काफ़ी लोग सोलमेट हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का, हो सकता है सिटी अलग हो, स्टेट अलग हो, कल्चर डिफरेंसेस हो, कास्ट डिफरेंसेस हो, इवन आपसे मूव ऑन भी कर लिया है मे बी पेरेंट्स की वजह से या इन सब चीज़ों की वजह से, थर्ड पार्टी के वजह से, लेकिन आपकी तरफ आना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, इमोशनली विड्रॉ किया है आपसे, लेकिन आपके लिए आपसे दूर रह भी नहीं पा रहे हैं, इन सभी ऑब्स्टिकल्स को पार करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं आपकी तरफ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एनी हाउ सक्सेस चाहते हैं। सिक्स एंड सेवन साथ में आया है, सो बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांग है, या फिर किसी फीमेल का, फादर मदर या फिर कोई पर्सन है इनके लाइफ में, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे इमोशनली आपसे विड्रॉ किया है, इमोशनली पास्ट में आपको हर्ट किया है मे बी पेरेंट्स की वजह से या मे बी थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन अब ये हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, आपकी तरफ आना चाहते हैं, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, सारे ऑब्स्टिकल्स जो भी हैं आपके रास्ते में उन्हें पार करना चाहते हैं, ये सिचुएशन है करंट एनर्जी में। कुछ और कार्ड्स लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, करंट एनर्जी, ए सेम किसी ने भड़काया है, कुछ लोगों के पार्टनर तो भड़कावे में आके गए हैं, अगेन द वर्ड लॉन्ग डिस्टेंस है, इवन एक टफ साइकिल एंड हो सकती है आप दोनों की, आप दोनों के बीच में जो टफ साइकिल चल रही है वो एंड हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है जिस वजह से मूव ऑन किया है, लेकिन आपकी तरफ वापस आएंगे। सेवन ऑफ वैंड्स, इमोशंस इनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। पहला कार्ड आया है अगेन द वर्ड, दो बार द वर्ड का कार्ड आया है यहाँ पे। सोल जर्नी हो सकती है आप में से काफ़ी लोगों
कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है। द एम्परर अगेन दो बार दो अलग डेक से द एम्परर आया है करंट एनर्जी में, डेफिनेटली अपनी पावर में है, अपनी पावर में आके कोई डिसीजन ले सकते हैं। पेरेंट्स इशू भी हो सकता है, कोई रोक रहा है इन्हें, कोई भड़का रहा है आपके ख़िलाफ़, लेकिन ये फाइट कर रहे हैं, ये आना चाहते हैं आपकी तरफ, बोल्डली आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, पैशनेट हैं आपको लेकर, न्यू बिगनिंग आपके साथ ही करना चाहते हैं। द स्टार का कार्ड है, इनकी होप है, इनकी विश है आपके साथ न्यू बिगनिंग करना। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जैसा कि मैंने कहा कि शायद आपसे मूव ऑन किए हैं, तो ये आपको स्पाई करते हैं बहुत ज़्यादा। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कोई छोटा मोटा जेस्चर करना चाहते हैं, किसी तरह से आपसे बात करना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं कि क्या आप अभी भी इनके में इंटरेस्टेड हो, क्या आपने मूव ऑन करा है या आप कहीं मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें इनके दिल दिमाग में चल रही हैं। सो ये है करंट एनर्जी पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स की। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या निकल कर आता है। नेक्स्ट एक्शन ACM नंबर 6 मेमोरीज ऑफ लव पहला ही कार्ड आया है। मिस कर रहे हैं आपको, आपके साथ जो भी मेमोरीज हैं वो रिकॉल करने वाले हैं आने वाले टाइम में और ज़्यादा। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। सिक्स एंड सेवन डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन मे बी इनको ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं या इनके लाइफ में चॉइसेस हैं, कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा। वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। द स्टार अगेन, होप रखनी है आपको, कोई तो डेविल है इनके लाइफ में, कोई तो ऐसा पर्सन है जो नेगेटिव है, या तो ये खुद ऐसा कोई काम किए हैं पास्ट में, मे बी आपको हर्ट किए हैं, चीट करे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप सिचुएशन आई है। नेक्स्ट एक्शन सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है, नंबर 9। अगर इन्होंने कोई गलती की है तो इन्हें पछतावा है, अगर इन्होंने आपको तकलीफ दी है, इन्होंने आपको हर्ट किया है तो इन्हें पछतावा हो रहा है। अगेन द एम्परर किसी तरह का अथॉरिटी अपने हाथ में ले रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी पावर में आके। ओके, अगर पेरेंट्स बीच में आ रहे हैं तो आने वाले टाइम में ये स्टैंड लेंगे आपके लिए, हो सकता है पेरेंट्स से इनकी फ़ाइट हो जाए, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है कि इन्हें आपकी तरफ आना है। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये बहुत सैड फील करने वाले हैं, आपको मिस करने वाले हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए। कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी मैं, डेविल क्यों आया है, शैडो क्यों आया है, नंबर 18 डार्कनेस में थे, अपनी शैडो पे वर्क कर रहे हैं। अगर इनके अंदर किसी तरह का एडिक्शन था, इनके अंदर किसी तरह की गलत हैबिट थी, या इनके अंदर किसी तरह का ईगो था, एटीट्यूड था, या थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो ये अपने डार्क साइड पे काम कर रहे हैं। 18 एंड 19 डार्कनेस से लाइट में आना चाहते हैं, इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है। एम्परर क्यों आया है, वेट करिए आप, ये अपनी पावर में आके आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। द चैरियट डेफिनेटली ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है,
6 आवर्स 6 डेज के अंदर काफ़ी लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। बॉटम से है अगेन नंबर 6, थर्ड आई चाक्रा। सो यहाँ पे आपके लिए 6 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट करंट एनर्जी। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं पाइल 1 के लिए। यू आर रेडी इन द नियर फ्यूचर। वेट, यू आर रेडी, आप बिल्कुल रेडी हैं, आप वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के एक्शन का। इन द नियर फ्यूचर मैंने 6 नंबर बताया है, वेट करिए, आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। सो ये है पाइल नंबर 1 के लिए करंट सिचुएशन। अगर आपकी करंट सिचुएशन से रीडिंग रेजोनेट करेगी या करती है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 एन से जेड का पाइल चूज़ किया है, अब मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी करंट सिचुएशन, साथ ही साथ कुछ गाइडेंस लेंगे और नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखते हैं हमेशा की तरह क्या मेजर होने के चांसेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या मेजर चल रहा है। ओके, बहुत सारे हैं, एक एक करके लूँगी मैं। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, द टावर। अगर ये खुद इगोइस्टिक थे या अगर इनके में कोई बैड हैबिट थी या था, तो यहाँ पे ये खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, डेविल एनर्जी से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनका। किसी तरह की बुरी आदत थी इन्हें, मे बी ईगो बहुत ज़्यादा था, स्टबन नेचर था, फ्लर्ट नेचर हो सकता है, जिस वजह से इन्होंने मे बी आपको कई बार तकलीफ़ दी है, आपको हर्ट किया है, आपको चीट करा है, मे बी ब्लॉक करा है, कभी आपकी भावनाओं को नहीं समझा है इन्होंने। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर कोई कार्मिक सिचुएशन है या ये खुद अगर किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए थे, बैड हैबिट्स में, या ऑलरेडी मैरिड हैं किसी के साथ, वहाँ पे अगर कार्मिक सिचुएशन है, अगर वहाँ खुश नहीं है, वहाँ हैप्पी नहीं है, या फिर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, स्पेशली मदर का, मे बी मदर आपको पसंद ना करती हो या आपसे डिस्टेंस बनाने को इनको बोला गया है फैमिली के द्वारा, कोई भड़काया है इन्हें, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो किसी तरह का टावर मोमेंट आने वाला है करंट एनर्जी में। यहाँ पे अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप डिवोर्स तक गया हो। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है विद द टावर, बात कोर्ट तक गई हो। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर पेरेंट्स पार्टनर आपके खुद डेविल एनर्जी में हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इनका हो रहा है, इनका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, किसी तरह का ब्रेक थ्रू इनके लाइफ में आने वाला है, मेजर ब्रेक थ्रू हो सकता है, और उस ब्रेक थ्रू के बाद इनके लाइफ में बैलेंस होगी और आपकी तरफ आएंगे। ये आने के लिए ये ब्रेक थ्रू ला रहे हैं, ये डेफिनेटली अपनी पावर में है, स्ट्रेंथ, किसी एक जजमेंट, किसी एक डिसीजन को लेना चाहते हैं, और अगर नहीं लेना चाह रहे थे, बहुत टाइम से स्टक थे, बातें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो ये टावर मोमेंट भगवान की तरफ से आने वाला है, कोई कार्मिक सिचुएशन पूरी होने वाली है इनके लाइफ में। देखते हैं, कुछ गाइडेंस लेते हैं फिर
जाएगा। गाइडेंस के बाद करंट एनर्जी चेक करेंगे। पाइल नंबर 2 एन से जेड, फ्रीडम, इनडिसिजन एंड एनवी, डेफिनेटली सेम चीज़ आया है, सेम एनर्जी आई है मेजर अर्काना में जो गाइडेंस में आई है। फ्रीडम, इनडिसिजन एंड एनवी, डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का मेजर ब्रेक थ्रू यहाँ पे होने वाला है। रिलीज़ करने वाले हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन को। दो सिचुएशन है, इनका इंट्यूशन इनको एक को चुनने की बात कर रहा है। काफ़ी चैलेंजेस हैं, फ्री होना चाहते हैं, फ्री होके एक डिसीजन लेना चाहते हैं और लेंगे बहुत जल्द। टॉलरेंस, यूनिटी एंड सेल्फ लव, मोनोलॉजी से 2 कार्ड्स, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। डेफिनेटली अगर आपके पार्टनर किसी कंफर्ट जोन में थे, उन्हें लग रहा था कि आप भी हैं और कोई और भी है या चल रहा है, चलने दो इस तरह की सिचुएशन, तो वो उस कंफर्ट जोन में अब नहीं रह पाएंगे, वो किसी एक को उन्हें चुनना पड़ेगा। योर कमिटमेंट इज बींग टेस्टेड, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। डेफिनेटली टावर मोमेंट यहाँ पे आने वाला है, किसी तरह का टावर मोमेंट। अभी हम करंट एनर्जी में चेक करेंगे कि ये टावर मोमेंट क्या है, क्यों है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपके लिए भी गाइडेंस है कि आपको कुछ चीज़ों को टॉलरेट करना है। अगर आपके पार्टनर किसी तरह के परेशानी में हैं, किसी तरह के इनडिसिजन में हैं, तो हो सकता है कि वो आप पे भी गुस्सा करें, आप पे भी कोई ऐसी बातें बोल दें जिससे आपको तकलीफ़ हो, लेकिन आपको टॉलरेट कर देना है। भगवान ने आपको 2 कान दिए हैं, एक से सुने, दूसरे से निकाल दें। नेगेटिव हो तो बाहर निकाल दें, पॉजिटिव हो तो पूरा एकदम बिल्कुल आराम से आप अंदर उसे ले सकते हैं। नेगेटिव चीज़ों को भगवान ने 2 कान दिए हैं, इसीलिए दिए हैं कि आप निकाल दो उसे। फ्री होके कोई डिसीजन लेने वाले हैं आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी से रिलेटेड डिसीजन हो सकता है। इस समय आप दोनों को एक होकर सपोर्ट करना है, अपने ऊपर काम करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करिए। जितना ज़्यादा आप इस टाइम मैनिफेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, आपकी परीक्षा चल रही है, एक टफ साइकिल एंड होने वाली है। पाइल नंबर 2 आपके लिए गाइडेंस है, बिल्कुल भी नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव रहें। अगर आपकी सिचुएशन से रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो बिल्कुल पॉजिटिव रहें, नेगेटिव ना सोचें इस टाइम, स्पेशली इस टाइम क्या लाइफ में किसी भी टाइम नेगेटिव सोचना ही नहीं चाहिए, हर एस्पेक्ट पॉजिटिव वे में लीजिए। देखते हैं करंट एनर्जी। प्लीज गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 2 एन से जेड, जजमेंट, बात करना चाहते हैं आपसे न्यू बिगनिंग से रिलेटेड। ओके, किसी तरह का गिल्ट है इन्हें। डेफिनेटली इनडिसिजन, थर्ड पार्टी सिचुएशन ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करा है, लेकिन अपनी पावर में आएंगे, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप में से डायरेक्ट काफ़ी लोगों को रेजोनेट कर सकता है। फैमिली इश्यूज हैं या फिर ऑलरेडी मैरिड हैं किसी के साथ, यहाँ पे आपके साथ ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है अगर, तो यहाँ पे ये सैड है, ये टावर मोमेंट लाके ही मानेंगे। यहाँ पे किसी तरह का टावर मोमेंट इनके लाइफ में आना है, मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना दोनों से ये दिख रहा है। माइनर अरकाना से मूव ऑन का कार्ड आया है। हर्ट है किसी सिचुएशन से,
बहुत ज़्यादा। जिस सिचुएशन से पहले डरते थे, इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब ये मूव ऑन कर जाएंगे। यहाँ पे पाइल टू क्लियर है कि ये आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर इन्होंने आपको हर्ट किया था, इन्होंने आपको चीट करा था, या इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो ये एंड कर सकते हैं वो सिचुएशन, मूव ऑन करेंगे वहाँ से। वहाँ से क्यों बोला मैंने, क्योंकि आपके तरफ आया है एस ऑफ पेंटिकल्स मैसेज एंड टेन ऑफ कप्स। ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे, इंतज़ार कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। आपकी तरफ न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, कोई जेस्चर कर सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं। कॉल मैसेज तो डेफिनेटली करेंगे। करेंट एनर्जी में सबसे पहले आया है एट ऑफ वैंड्स। आप में से काफ़ी लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। किसी तरह का बड़ा डिसीजन, किसी तरह का बड़ा डिसीजन ये आपकी तरफ लेने वाले हैं। आपको हर्ट करके इन्हें भी बहुत तकलीफ़ हुई है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत खुश हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। आइसोलेशन में है द हर्मिट। यहाँ पे सक्सेस चाहते हैं आपके साथ। कुछ और कार्ड्स लेंगे करंट एनर्जी के लिए, क्लैरिफाई करेंगे। करंट एनर्जी एन से जेड, टू ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड्स विद द सन। डेफिनेटली ये अपनी पावर में है। अगर इनसिक्योरिटी की भावना थी, या इन्हें लग रहा था कि ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, डरते थे बहुत ज़्यादा, तो ये अपनी पावर में है। मैंने आपसे कहा हर्मिट का कार्ड आया था, अभी आइसोलेट कर रखा है खुद को, आपकी तरफ आना चाहते हैं। द हाई प्रिस्टेस डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, स्पाई कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आपसे। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट या थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे दो सिचुएशन है जिसमें ये जगल कर रहे थे, लेकिन ये अब एक्शन मोड में है। ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ ही हैप्पीनेस है, कम्प्लीशन चाहते हैं। द सन से बेस्ट कोई कार्ड ही नहीं हो सकता। यहाँ पे आपके लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। करंट एनर्जी चेक की हमने, अब हम नेक्स्ट एक्शन देखेंगे आपके पार्टनर का आपकी तरफ। नेक्स्ट एक्शन एन से जेड, प्लीज गाइड करें। दोनों मेजर अरकाना द स्टार एंड चैरिट, होप रखिए। तीनों मेजर अरकाना, चारों मेजर अरकाना, द एम्प्रेस, टू नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सक्सेस आपके साथ मिलनी है। ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वहाँ से मूव ऑन करने वाले हैं। चाहे थर्ड पार्टी फाइनेंशियल इश्यूज हों, चाहे थर्ड पार्टी पेरेंट्स हों, चाहे थर्ड पार्टी वाइफ हों, चाहे थर्ड पार्टी हस्बैंड हों, जहाँ भी ये खुश नहीं है, जो भी इन्हें सर्व नहीं कर रहा है, उसको अपने लाइफ से ये कट ऑफ कर देंगे। पूरी तरह से पावर में है इस टाइम। आने वाले टाइम में विद इन टू मंथ, विद इन टू डेज, विद इन टू वीक्स आपकी तरफ ये आ रहे हैं। पॉजिटिव एक्शन आपकी तरफ होने वाला है। आपको होप रखनी है। पहला ही कार्ड आपके लिए होप का आया है। थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल हैप्पी नहीं है। यहाँ से मूव ऑन करेंगे और आपके साथ रीयूनियन करेंगे। टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी लोगों को ये रीडिंग देखने के बाद 2 आवर्स 2 डेज के अंदर कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, काफ़ी लोगों को। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। परफेक्ट टाइमिंग, लक आपके साथ है इस टाइम।
पीसफुल रिजोल्यूशन, बीच का रास्ता निकल सकता है। अगर आपका थर्ड पार्टी के वजह से प्रॉब्लम हुआ है शादी में, ऑलरेडी मैरिड हैं आप, तो बीच का रास्ता निकल सकता है। या अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे थे तो कुछ लोगों के पेरेंट्स मान सकते हैं रिलेशनशिप के लिए। लक आपका साथ दे रहा है इस टाइम, डिवाइन टाइमिंग चल रही है, काफ़ी लोगों के लाइफ में डिवाइन टाइमिंग चल रही है। बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग है, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, टफ साइकिल एंड होने वाली है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। पाइल नंबर 2, ये है आज की गाइडेंस। होप कि ये गाइडेंस आपसे रेजोनेट हो, आपके कष्ट दूर हों, आपके पार्टनर आपके लाइफ में आए और आपसे बातचीत करें, रियूनियन हो आप दोनों का। अगर आपकी सिचुएशन इस रीडिंग में आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।